आम दुनिया को जज करने में कोई इतनी आसानी नहीं होती। एक्चुअली लेडीज़ की सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ होती है, तो वो अगर उन्होंने साइकोलॉजी नहीं भी की हुई तो भी उन्होंने हर सामने बैठे हुए मेल फीमेल का पता चल जाता है कि उसकी हमारी तरफ क्या इंटेंशंस है। ठीक है, बाकी एजुकेशनल के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी आसानी हो जाती है देखने में। आप डिफरेंस कर सकते हैं कि अगर किसी कोई जो है वो जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है या उसका एक पर्सनल प्रॉब्लम है, या सबसे बड़ी बात जो है लोग कहते हैं कि जी इसको जादू हो गया हुआ है, तो उसमें आप काफ़ी डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आपने थेरेपिस्ट पढ़ी हुई है, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी का, हिस्ट्री वगैरह, तो वो उसके लिए आपको आसानी हो जाती है। लेकिन ठीक वो भी तब अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस है, आपने ग्रिप रखी हुई है बाकी सारे हिस्ट्रीज में थेरेपीज़ में। और पब्लिक डीलिंग में भी आपको आसानी होती है? पब्लिक डीलिंग में इतनी कोई आसानी नहीं होती, क्योंकि हमारा वास्ते ही ऐसे लोगों से पड़ता है जो कितने एजुकेटेड नहीं होते, ठीक है क्योंकि लोकल जो है वो हमें ट्रैवलिंग करनी होती है, तो ठीक है, उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम, तो फिर उनमें उनके साथ उन्हीं के लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, तो वहाँ पे तो साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं काम आ रही होती। ठीक है। अच्छा, आपने एज ए क्लिनिकल जी साइकोलॉजिस्ट जो डिफरेंट किस्म के कैंप्स वगैरह में लोग हिस्सा लेते हैं, तो आपने भी कोई मेडिकल कैंप में हिस्से लिए? मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में लिए थे हिस्से। उसमें हमारा एक मेडिकल हेल्थ केयर का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमारे स्कूल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऐड थी, ठीक है, वो हुआ था कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सिटी सरगोधा यूनिवर्सिटी थी, उसका वहाँ पे सेकंड पोजीशन आई थी, तो उसमें मैंने एज जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट का रोल प्ले किया था। तो वहाँ पे हमने साइकोलॉजी का बताया था कि दोनों में क्या इफेक्ट आता है, जो नल स्टूडेंट्स हैं और जो एजुकेटेड मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं।